सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जुगाड़ू मैन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक DIY, जिसमें हम करेंगे, देखिए मेरे पास ये योनेक्स का एक रैकेट है, जो योनेक्स की गटिंग आती है, साथ में जो स्ट्रिंग्स आती हैं, यानी जो वायर होती हैं, जो स्टार्टिंग में योनेक्स अपने साथ में देता है, उस पर लोगो बना होता है योनेक्स का। लेकिन जब आप खेलते हैं तो 15 दिन, 20 दिन, एक महीने में अगर आपकी गट्स टूट जाती हैं तो आपको दोबारा गटिंग करानी होती है। तो उस टाइम पे जब दोबारा गटिंग होती है तो वो लोगो योनेक्स नहीं लगाता है। देखिए, जैसे ये दूसरा लीनिंग का रैकेट है, इस पर लीनिंग का लोगो लगा हुआ है, ये अभी इसकी गट्स नहीं टूटी हैं, ऐसे ही योनेक्स का लोगो भी लगा होता है। तो आज हम लगाएंगे अपने योनेक्स के रैकेट पे योनेक्स का लोगो, तो देखिए कैसे। सो वेलकम बैक टू जुगाड़ू मैन, सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। तो लोगो का स्टेंसिल बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पहले तो फ़ोटो की। तो फ़ोटो के लिए मैं लैपटॉप का यूज करूँगा। लैपटॉप में मैं गूगल पे जाके योनेक्स लोगो सर्च करूँगा, योनेक्स के लोगो आपको दिखाई देंगे। उसमें से एक जो हाई डेफिनेशन का लोगो होगा उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो लोगो मैंने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर रखूँगा मैं A4 साइज का एक पेपर, जिससे कि पीछे जो बैकलिट जली होती है लैपटॉप की, उसके थ्रू हमें ईजिली दिख जाता है A4 साइज पेपर पे। तो बाद में बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा ये रैकेट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। योनेक्स की जो ओरिजिनल स्टेंसिल अवेलेबल होती है वो MRP 600 रुपीज़ में अवेलेबल है, और उसके साथ आपको इंक भी ख़रीदना होगा। और जो योनेक्स पे रेड कलर में ज़्यादा अवेलेबल होती है उसकी कॉस्ट भी 1200 से 1300 रुपये के आसपास है, तो काफ़ी कॉस्टली है। और हम यहाँ पे जो स्टेंसिल और कलर यूज करेंगे उसकी कॉस्ट आपको 20 रुपये मात्र पड़ेगी। केवल इसमें जो कलर यूज कर रखा है मैंने, वो मार्कर, परमानेंट जो मार्कर आता है वो यूज किया है। आप रेड भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, 20 रुपीज़ की कॉस्ट में आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं पेंसिल और स्केल की मदद से ड्रॉ कर लूँगा स्ट्रेट लाइंस। उसके बाद जो कर्व लाइंस हैं उसके लिए मैं यूज करूँगा कुछ लीड्स का। तो देखिए कैसे। जो A4 साइज़ का पेपर है उसको परमानेंट फिक्स करने के लिए मैं यूज करूँगा क्लिप्स का, जिससे कि ये हिले डुलेगा नहीं और मेरी लाइंस अच्छे से ड्रॉ हो जाएंगी। तो स्ट्रेट लाइन मेरी ड्रॉ हो गई है। अब कर्व लाइंस के लिए मैं यूज करूँगा ये ढक्कन। ये एक बॉक्स का ढक्कन है, आपके घर पे भी कोई भी अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब नीचे जो दो राउंड शेप्स हैं उनको बनाने के लिए मैं यूज करूँगा ये जो स्प्रिंकलर होता है उसके ढक्कन का, जो कि परफेक्ट साइज का है। तो ट्रेसिंग का काम पूरा हो गया है, अब बारी है कट करने की। तो कट करने के लिए मैं यूज करूँगा पेपर ब्लेड का, क्योंकि हमने जो शेप्स हैं ड्रॉ की हैं ये अंदर से निकालना होगा तब स्टेंसिल बन पाएगा। तो देखिए कैसे करता हूँ। तो हमारी स्टेंसिल कट गई है, अब मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखिए योनेक्स का लोगो बहुत अच्छा लग रहा है, और इसकी जो कटिंग आई है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो आई होप ये अच्छा ही बनेगा। अब बारी है A4 साइज़ की जो स्टेंसिल बनी है इसको कट करके रैकेट के ऊपर लगाने वाली शेप में बनाना। तो देखिए मैं करता हूँ कैसे।
स्टेंसिल को मैंने 4 क्लिप्स की मदद से फिक्स कर दिया है रैकेट के ऊपर। अब मैं यूज करूँगा परमानेंट मार्कर का। ये मेरे पास डोम्स का परमानेंट मार्कर है, इसका यूज करूँगा मैं स्टेंसिल को फिल करने के लिए। तो ऐसे कंप्लीट होता है एक साइड के स्टेंसिल का काम। अब करेंगे हम दूसरी साइड का, तब तक देखते हैं ये कैसा लग रहा है। अब बारी है दूसरी साइड से स्टेंसिल करने का काम, तो दूसरी साइड भी मैं इसको फिक्स कर दूंगा और फिर करेंगे इसके अंदर कलर की फिलिंग। तो चलिए करते हैं फटाफट। तो ऐसे पूरा होता है दूसरी साइड का भी कलर फिलिंग का काम। अब जो क्रॉस स्ट्रिंग्स हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रह जाता है, तो उसको मैं मैन्युअली फिल कर देता हूँ। तो लास्ट में दिखता है कुछ ऐसे। तो योनेक्स का लोगो बहुत क्लियर दिख रहा है इसमें और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो देखते रहिए दोस्तों जुगाड़ू मैन को, और लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।